नमस्कार। पूरा देश ये जानना चाहता है कि ममता बनर्जी की नींद क्यों उड़ी हुई है, वो 3 फरवरी की रात को सो क्यों नहीं पाई और कलकत्ता के एक हिस्से में धरने पर क्यों बैठी रही। ये हाई वोल्टेज ड्रामा आजकल के जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो मुख्य धारा का प्रिंट मीडिया है, उसकी सुर्खी बना हुआ है। आखिर क्या कारण है कि ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है और देश की ये दूसरी मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल के बाद जो इस तरीके से सड़कों पर उतरी है या धरने पर बैठी हुई है, और इनके निशाने पर भी कोई और नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये जानना जरूरी है कि ममता बनर्जी मोदी को निशाने पर क्यों लिए हुए हैं, कौन से कारण हैं। उन कारणों में जाने से पहले इस घटनाक्रम पर एक बार नजर डालते हैं कि हुआ क्या था। 3 फरवरी की शाम को करीब 6 बजे के आसपास सीबीआई का एक दल कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के आवास पर पहुंचा। वो उनसे शारदा चिटफंड कंपनी घोटाले के मामले में पूछताछ करना चाहता था। राजीव कुमार उस एसआईटी के सर्वे सर्वा थे जिन्होंने 2013 में इस मामले की जांच पड़ताल की थी, और जम्मू कश्मीर से 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे जिनके कब्जे से कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। उन दस्तावेजों में एक लाल डायरी थी, एक पेन ड्राइव थी। सीबीआई के बार बार मांगने के बावजूद राजीव कुमार ने वो दस्तावेज उसे नहीं सौंपे हैं। सीबीआई ने कम से कम 3 बार उनको समन किया है अलग अलग समय पर, वो सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित भी नहीं हुए हैं। सीबीआई की एक टीम उनके आवास पर गई थी ताकि वो दस्तावेज बरामद किए जा सकें, वो उनको डिस्ट्रॉय ना कर सकें और उनसे पूछताछ की जा सके। इसके बाद ममता बनर्जी की पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को हिरासत में ले लिया, उन्हें थाने ले जाया गया, और देश के इतिहास में ये पहली घटना थी जब संविधान को ताक पर रख दिया गया और एक केंद्रीय एजेंसी को इस तरीके से हिरासत में लिया गया और थाने ले जाया गया। लेकिन चूंकि ये असंवैधानिक था, कोई राज्य की पुलिस सीबीआई के अफसरों को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसलिए 2 घंटे के भीतर उनको छोड़ना भी पड़ा। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी सरकार उनके एक अफसर को अपमानित कर रही है, इसलिए वो धरने पर बैठ रही हैं। हकीकत क्या है? इसी शारदा चिटफंड घोटाले में उनकी सरकार के 2 मंत्री गिरफ्तार किए गए, तब ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा। राजीव कुमार में ऐसी क्यों उनकी जान बसी हुई है कि अगर उनके आवास पर सीबीआई के अफसर गए तो वो न केवल धरने पर उतर आई बल्कि खुद उस अफसर के घर पहुंच गई और वहां पर मीटिंग की बड़े अधिकारियों की। तो ये माना जा रहा है और ये चीजें लगभग सामने आ गई हैं कि राजीव कुमार अगर सीबीआई का कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी ने सीबीआई के कामकाज में बाधा डलवाकर असंवैधानिक कार्य तो किया ही है, संघीय ढांचे के खिलाफ तो उन्होंने अपना बिहेव दिखाया ही है, वो गलत बयानी करके देश को गुमराह करने की कोशिश भी कर रही हैं। वो लगातार कह रही हैं कि मोदी और शाह के इशारे पर सीबीआई अफसर उनके अफसरों का उत्पीड़न करने पर उतारू हैं और उन्हें भी दबाव में लेने की कोशिश कर रही हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि एसआईटी के बजाय सीबीआई से जांच कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मोदी सरकार का नहीं, और ये फैसला भी तब किया था सुप्रीम कोर्ट ने जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। ममता बनर्जी अगर इसको दूसरा रूप देकर के राजनीतिक स्कोर करना चाहती हैं तो इससे भी पता चलता है कि वो दरअसल राजीव कुमार को तो बचा ही रही हैं, साथ ही साथ
पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो स्थितियां करवट बदल रही हैं, जिस तरीके से राजनीति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे भी उनके भीतर बहुत जबरदस्त घबराहट है। चाहे ज्योति बसु हो या बुद्धदेव भट्टाचार्य हो, वामपंथियों का करीब 32-33 साल तक लगातार शासन रहा। उस शासन को उखाड़ फेंकने वाली कोई और नहीं थी, ममता बनर्जी थी। ममता बनर्जी का यह दूसरा टर्म है बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन इस बीच गंगा में बहुत पानी बह चुका है। स्थिति यह है कि आज की तारीख में वामपंथी तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं, वो तीसरे नंबर की ताकत बन गए हैं। इस समय ममता बनर्जी पहले नंबर की ताकत है पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की ताकत बनकर के उभरी है। चाहे पंचायत चुनाव हो, स्थानीय लोकल बॉडीज के चुनाव हो, या पिछले विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं नजदीक, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां वहां बढ़ रही हैं। उसी रेशियो में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी बढ़ी हैं। वहां अब तक भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी आयोजन करना चाहती है उसमें अड़ंगे लगाए जाते हैं, प्रशासन उसकी इजाजत नहीं देता है, पुलिस उसकी इजाजत नहीं देती है। बार बार भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, उनके आदेश लेने पड़ते हैं। आपको पता होगा अमित शाह के नेतृत्व में एक रथ यात्रा निकलने जा रही थी जिस पर उन्होंने पाबंदी लगा दी। अमित शाह के हेलीकॉप्टर को उतारने में बाधा पैदा की गई। 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 जनसभाएं थी, उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतरने की इजाजत नहीं दी गई। नरेंद्र मोदी की अभी 2 सभाएं थी, उनमें से 1 सभा में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई, वहां भगदड़ की स्थिति हो गई, धक्का मुक्की की स्थिति हो गई, और प्रधानमंत्री को 14 मिनट में अपना भाषण खत्म करना पड़ा। तो ये स्थितियां क्यों पैदा की जा रही हैं? रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल 4 फरवरी को चुनाव आयोग गया, और वहां उसने बाकायदा लिखित में शिकायत की कि ममता बनर्जी उनकी राजनीतिक गतिविधियों को रोक रही है, डेलिबरेटली रोक रही है, और लगातार उनके ऐसे एक्ट रहे हैं जिनसे पता चलता है, उनके बयान ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि वो एडामेंट है इस चीज को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में नहीं घुसने दे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और इस पूरे प्रकरण को भी जिस तरीके से उन्होंने शाह और मोदी की तरफ मोड़ने की कोशिश की है, और एक राजनीतिक रंग देकर के जो मोदी विरोधी राजनीतिक पार्टियां हैं और नेता हैं उनको कलकत्ता आने के लिए आमंत्रित किया है, और उनके बयान दिलवाए हैं कि ममता बनर्जी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उन पर प्रेशर क्रिएट किए जा रहे हैं सीबीआई के जरिए। कुछ दिन पहले कलकत्ता में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि 22 दलों के नेता उसमें शामिल हुए हैं। 17-18 तक की तो गिनती मीडिया ने भी की, लेकिन मान लेते हैं कि 22 दलों के नेता उसमें शामिल हुए हैं। वहां एकजुटता का प्रदर्शन किया गया, लेकिन मायावती, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कुछ दूसरे नेता, उनमें चाहे आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री को ले लीजिए, वहां नहीं गए, वो वहां नहीं थे। चंद्रशेखर राव वहां नहीं थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, ऐसे कई नेता हैं। वो ये समझते हैं कि ममता बनर्जी इस समय क्या खेल खेल रही हैं। ममता बनर्जी दरअसल प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश करना चाहती हैं, एक लीडर के तौर पर इमर्ज होना चाहती हैं, और इसीलिए उन्होंने गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी ऐसे नेताओं को वहां पर बुलाया कि जो उनके पीछे लामबंद हो सकते हैं। इसलिए ना कांग्रेस अध्यक्ष वहां गए, ना सोनिया गांधी वहां गई, और ना ही मायावती ने वहां जाने का फैसला किया। ये ममता बनर्जी भी समझती है। और ये जो कुछ हुआ है इस समय कलकत्ता में 3 फरवरी की शाम को कि वो धरने पर बैठ गई, लगातार उनका धरना चलता रहा, इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति है। इसके पीछे भी रणनीति ये है
कि एक तो 24 घंटे चैनलों पर वो छाई रहे, दूसरे जितने भी विरोधी दल हैं अलग अलग राज्यों में वो उनके पीछे खड़े हुए दिखाई दें, यानी अपने आप को मोदी के खिलाफ एक नेता के तौर पर इमर्ज करना चाहती हैं। और सबसे अहम बात, ममता बनर्जी इस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज हैं? इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा दांव चला है पिछले दिनों जिससे ममता बनर्जी को अपना जो बेस वोट है वो भी खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ब्राह्मण है। नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, और जब से यह ऐलान हुआ है पश्चिम बंगाल में जो खास तौर से ब्राह्मण है उनमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक अलग तरह का ही सद्भाव, एक अलग तरह का सहयोग, एक समर्थन दिखाई पड़ रहा है। ममता बनर्जी को इस बात की आशंका है, इस बात की पीड़ा है कि मोदी ने एक और ऐसा दांव चल दिया है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला है, और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि इस पूरे सियासी ड्रामे को उन्होंने अलग ही रंग रूप दे दिया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।